हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था क्लास 11 चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे, सीयूसीईटी से रिलेटेड, बीएचयू या अन्य जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी सीरीज का जो सेकेंड सेशन है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही आप फ्री मॉक टेस्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट successcurve.in से रजिस्टर करके बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो अपने तैयारी को successcurve.in के साथ मजबूत करिए, स्ट्रेंथन करिए। और इस सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यह हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि इन वर्टिसेला द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्मड एट द एंड ऑफ प्रीजाइगोटिक न्यूक्लियर डिवीजन इन फीमेल गैमेट इज, एंड द ऑप्शंस आर 4, 6, 8 एंड 5। तो यहाँ पे सिंपली हमें समझना है कि जो वर्टिसेला है इसमें कैसे होता है डिवीजन, या जो भी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वर्टिसेला है इसमें होता है बाइनरी फ्यूजन, और बाइनरी फ्यूजन का जो सिंपल और सबसे बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाती है। तो वैसे भी वर्टिसेला में भी होता है, दो अनइक्वल न्यूक्लियाई बनते हैं, एक जो लार्ज वाला होता है और एक होता है स्मॉल वाला। और जो लार्ज वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंजुगेंट, और जो स्मॉल वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो कंजुगेंट। ठीक है, और ये जो माइक्रो कंजुगेंट होते हैं ये स्विम करते हैं और ये जाके रीच करते हैं माइक्रो कंजुगेंट के पास, और आखिर में ये दोनों के दोनों डीजेनरेट कर जाते हैं। तो बोथ ऑफ दिस माइक्रो और माइक्रो कंजुगेंट ये दोनों डीजेनरेट कर जाते हैं, और यहीं से ये डीजेनरेट करके बाकी जो माइक्रो न्यूक्लियाई है ये बनाती है फर्दर जो डिवीजन होता है, उस डिवीजन के आधार पे ये डिवीजन के हेल्प से बनाती है 4। ठीक है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं तो ये होते हैं 4 एट द एंड ऑफ प्री जाइगोटिक न्यूक्लियर डिवीजन इन फीमेल गैमेट इज 4। तो ये हमें समझना है बेसिकली वर्टिसेला में होता क्या क्या है। तो बाइनरी फ्यूजन होता है, एक एसेक्सुअल मोड है प्रोडक्शन का, और ये जो दो अलग अनइक्वल डाउटर न्यूक्लियाई बनते हैं, एक लार्ज स्मॉल, उनको अलग अलग नेम दिया जाता है, और जो स्मॉल होते हैं वो स्विम करते हैं, रीच करते हैं माइक्रो कंजुगेंट के पास, और ये दोनों आखिर में डीजनरेट हो जाते हैं, और ये फर्दर जो न्यूक्लियाई बनता है माइक्रो न्यूक्लियाई 4 बनता है एट द एंड ऑफ प्रीजाइगोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज एब्सेंट इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। ऑप्शन दिए हुए हैं कॉपस ग्लैंड, कोलेटरल ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सिंपली हमें समझना है कि जो रैबिट है इसमें एक तो होते हैं रिप्रोडक्टिव जो, और एक होता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे कि टेस्टिस हो गया, इपिडिडाइमिस हो गया, वासा डिफरेंसिया हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, पेनिस हो गया, तो ये सब होते हैं रैबिट में। बाकी जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिस्टम है, ARS से हम डिनोट कर रहे हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें कॉपर्स ग्लैंड हो गया ये पाए ही जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड पाए ही जाते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाए ही जाते हैं, तो ये सारे ग्लैंड पाए जाते हैं। नहीं पाया जाता है वो पूछा जा रहा है कौन सा एबसेंट होता है, तो एबसेंट होता है रैबिट में कोलेटरल ग्लैंड, और ये कोलेटरल ग्लैंड एब्सेंट होता है रैबिट में। तो हो सकता है कि एनुअल एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि कोलेटरल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कॉकरोचेज में पाया जाता है। ठीक है, इसी में एक पाउच जो उनका होता है उसी में ये पाया जाता है कोलेटरल ग्लैंड। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कोलेटरल ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट में नहीं पाया जाता है, बाकी जो ऑप्शन में दिए हैं वो सब पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट इज कोलेटरल ग्लैंड, दैट इज ऑप्शन बी। बाकी कोलेटरल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं, ये जो इतने भी क्वेश्चन इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबके हम हिंट देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम से। ठीक
के लिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें पूछा गया है फ्लूइड पार्थेनोजेनेसिस अमंग इंसेक्ट्स इज शोन बाय ऑर्डर। ऑप्शन दिए हुए हैं हिम्नेप्टेरा, होमोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि ऑर्डर बताने हैं इंसेक्ट्स के अमंग, तो ये हिम्नेप्टेरा इसका ऑर्डर है। और सबसे सिंपल है ये, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैप्लॉयड पार्थोजेनेसिस में होता क्या है। तो इसमें अनफर्टिलाइज एक डेवलप होते हैं इम्ब्रियो से विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये फॉर्मेशन ऑफ अनफर्टिलाइज एग इम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो पार्थोजेनेसिस का मतलब ये होता है फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस हो गया, अनफर्टिलाइज इम्ब्रियो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये इंसेक्ट्स के अमोंग किस ऑर्डर द्वारा शो किया जाता है, तो ये होता है ऑर्डर हिम्नेप्टेरा। बाकी ऑप्शन से इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हिम्नेप्टेरा, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें पूछा गया है पर्सन वी शो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं इंटरसेक्स, हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं उन सबको समझना जरूरी है, क्योंकि क्या पता आने वाले एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली अभी फोकस करना है इस क्वेश्चन पे कि ऐसे पर्सन के बारे में बताना है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोथ मेल और फीमेल दोनों में शो करता है। तो उसको कहा जाता है गाइनेंड्रोमॉर्फ। यहाँ पे बोथ मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करता है पर्सन। तो ये हो गया बोथ एंड मेल एंड फीमेल। और इसके साथ ही जो हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल दिए हुए हैं, इसमें क्या होता है बाइसेक्सुअल का मतलब ही होता है कि बोथ मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है प्रेजेंट है। तो ये हो गया बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट। और इंटरसेक्स में कोई फिट नहीं कर पाता है, नाइदर मेल और फीमेल के बारे में कोई जनरल आइडिया और नहीं फिट करता है पर्सन, तो फिट्स नाइदर मेल और फीमेल। तो इतना हमें ध्यान रखना है, ये ऑप्शन में जो भी आएंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज गाइनेंड्रोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है जेम्यूल फॉर्मेशन इज स्पॉन्जेस इज हेल्पफुल। तो स्पॉन्जेस में जो जेम्यूल फॉर्मेशन है वो किसमें हेल्पफुल होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली डिसेमिनेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपल, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में डायग्राम बेस्ट दिए हुए हैं, जहाँ पे स्पॉन्जेस जेम्यूल फॉर्मेशन दिखा, स्पॉन्जेस का नेम लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं राइजोम के, ऑफसेट के, आईकॉर्निया के। तो ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से पूछा गया है। तो ये जो है ये है ए सेक्सुअल मेथड, ठीक है। तो ये एडवांटेजियस होता है, हेल्पफुल होता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जेम्यूल फॉर्म होता है स्पॉन्जेज में उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो स्पॉन्जेज में होता नहीं है, पार्थेनोजेनेसिस और ओनली डिसेमिनेशन, तो ये सब इनकरेक्ट है। जो ओनली करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जेनरेट्स। ऑप्शंस गिवन है लार्ज बायोमास, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स, प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी एंड ऑप्शन डी न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो हमें ये बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या जनरेट करता है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं वहां से ये हिंट मिल रहा है कि हमें एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उस पर फोकस करना है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से न्यू जेनेटिक वेरिएशन बनता है, और ये भी कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही मतलब सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होता है, क्योंकि ये न्यू जेनेटिक वेरिएशन और रिकॉम्बिनेशन देता है। तो ये जो वेरिएशन होता है यही सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए इसेंशियल होता है। तो इसका यही एडवांटेजियस है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि यहाँ से न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो दिस इज द मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट जनरली जनरेट्स द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें पूछा गया है विच इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ऑप्शन गिवन है बाइनरी फ्यूजन ओनली, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन कंजुगेशन, मल्टीपल फ्यूजन ओनली। तो हम समझते हैं कि बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, कंजुगेशन होता क्या है। तो बाइनरी फ्यूजन में ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया
बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है कि एक सिंगल पेरेंट ये दो डाउटर न्यूक्लियाई बनाता है। तो ये मान लीजिए कि सिंगल पेरेंट हो गया, तो बाइनरी फ्यूजन में दो डाउटर न्यूक्लियाई ये बन गए। तो ये हुआ हमारा बाइनरी फ्यूजन। ये सारे के सारे एसेक्सुअल मेथड है प्रोडक्शन के। और जो मल्टीपल फ्यूजन होता है, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल फ्यूजन में मतलब जो सेल डिवीजन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, कोई लिमिट नहीं होता है इस पे। तो ये होता है मल्टीपल फ्यूजन। और जो अमीबा है इसमें ये दोनों मोड पाए जाते हैं, बाइनरी फ्यूजन भी होता है मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। तो सिंपली बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन में हमने देखा कि सिंगल पेरेंट ने दो डाउटर न्यूक्लियाई बनाए, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में ऐसा कोई फाइनाइट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि डिवीजन होगा तो दो ही बनेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन मतलब सेल डिवीजन जो होता है वो फाइनाइट नहीं होता है, नो फाइनाइट सेल डिवीजन। तो इतना हमें ध्यान रखना है मल्टीपल फ्यूजन। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन बी, दैट इज बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है अर्थवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि। तो ऑप्शंस गिवन है हाइपोगाइनी, प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्री, इपिगाइनी। तो अर्थवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसका रीजन है कि जो टेस्टिस है ये मैच्योर करता है अर्लियर देन ओवरी। तो ये है रीजन जिससे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है, नहीं हो पाता है। और इसी कंडीशन को, जब टेस्टिस ओवरी से पहले मैच्योर हो जाता है, इसी कंडीशन को कहा जाता है प्रोटेंड्री। तो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन सी में प्रोटेंड्री, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटेंड्री। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हाइपोगाइनी, प्रोटोगाइनी, इपिगाइनी, तो ये पोजिशन है डिफरेंट वॉल्स जो पाए जाते हैं फ्लावर्स के, जैसे कैलिस करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम के रेस्पेक्ट में बाकी थ्री वर्ड्स जो हैं उनका क्या पोजीशन है, उस आधार पे हाइपोगाइनस, इपिगाइनस, पेरिगाइनस ये सब पोजीशन हो मतलब बनाए गए हैं क्राइटेरिया। तो जो हाइपोगाइनस, जिसका कि मतलब है बिलो, तो यहाँ पे जो थ्री वर्ड्स है उसके नीचे होता है, उसके बिलो होता है ओवरी, तो हाइपोगाइनस हाइपोगाइनी कंडीशन हो गया। और इपिगाइनम में मतलब होता है अबव। तो जो थ्री वर्ड्स है अगर गाइनोसियम के अबव है तो इपिगाइनी कंडीशन हो गया। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें ध्यान रखना है कि प्रोटेंड्री कंडीशन होता है, जिसमें टेस्टिस पहले मैच्योर कर जाता है ओवरी के, जिसकी वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है, नहीं होता है अर्थवर्म में। और बाकी अर्थवर्म से भी रिलेटेड और क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसमें पूछ ले कि ये कैसे होते हैं, तो ये मोनोसियस होते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म मोनोसियस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि जो दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं। तो ये है हर्मेफ्रोडाइट, मोनोसियस, ये सारे कंडीशन। और इतने ही क्वेश्चन अर्थवर्म से बन सकते हैं, बाकी अन्य जो भी क्वेश्चन होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना ध्यान रखना है हमें कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उतना तो हर हाल में क्लियर होना ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन, ऑप्शन गिवन है अमीबा, पैरामिशियम, प्लेनेरिया, ऑल ऑफ दिस। तो जो बाइनरी फ्यूजन है ये सारे में होते हैं, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है ड्रोन्स इन अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज ओरिजिनेट बाई, ऑप्शन गिवन है थेलीटोकी, एरेंटोकी, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। तो जो ड्रोन्स है कॉलोनी ऑफ हनी बी, इसमें जो ऑप्शंस गिवन है उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जो थेलेटोकी, एरेटोकी ये सब होते क्या है। तो जो एरेटोकी है और थेलेटोकी है, तो थेलेटोकी में क्या होता है, ये सारे टाइप हैं पार्थेनोजेनेसिस के। ये मतलब ऑप्शंस में जो गिवन है थेलेटोकी, एरेटोकी, ये पार्थेनोजेनेसिस के टाइप हैं। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, थेलेटोकी आ गया आपका, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे भी बन सकते हैं वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। एरेटोकी हो गया, एक होता है एम्फीटोकी, और एक होता है आपका ड्यूटेरोटोकी। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जो थेलेटोकी होता है इसमें क्या होता है कि ओनली फीमेल मतलब पार्थेनोजेनेसिस का एक ऐसा टाइप है जहाँ पे जो मतलब डेवलपमेंट होता है केवल फीमेल का होता है इसमें, और एरेंटोकी में मेल का होता है, और एम्फीटोकी में बोथ मेल एंड फीमेल मतलब होता है, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि मेल है कि फीमेल। तो बोथ मेल और फीमेल ये डिसाइड नहीं हो पाता है, नॉट
एबल टू प्रिडिक्ट। और ये जो है ट्यूटोरियल टोपी में, यहाँ पे जो एग डेवलप होते हैं बोथ सेक्सेस के होते हैं, यानी कि मेल के भी और फीमेल के भी। तो ये पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स हैं जिसके आधार पे है ये सारे किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ड्रोन है, कॉलोनी ऑफ हनी बी, ये ओरिजिनेट होता है एरेंटो में, क्योंकि वो तो मेल होता है और ओनली मेल का जो एग का डेवलपमेंट होता है हनी बीज में, टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस तो एरेंटोकी के द्वारा ही होता है। बाकी ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस में राउंड, सेवरल राउंड्स होते हैं सेक्सुअल इवेंट्स के। और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शंस गिवन है उनसे बन सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एरेनोटोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो इज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और ऑप्शंस गिवन है हाइड्रा एंड एस्केरिस, हाइड्रा एंड ओरिक्टोलेगस, एस्केरिस एंड फ्रेटिमा, दैट इज अर्थवर्म। और जो ऑप्शन डी गिवन है एस्केरिस एंड ओरिक्टोलेगस। तो ये बस ध्यान रखना है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एक सिस्टमेटिक पैटर्न है जिसके थ्रू हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश करने का इसमें ये आसानी होता है कि जो मेल होता है ये लार्ज होता है, फीमेल जो होती है वो स्मॉल होती है। बस यही है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और ये एस्केरिस फैमिली में पाया जाता है। ये अगर आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम तो वहां भी ये क्वेश्चन आएगा। और बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसका आंसर हो जाएगा एस्केरिस यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रा गिवन है और यहाँ पे प्रेटिमा गिवन है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। और यहाँ भी हाइड्रा गिवन है तो इनकरेक्ट हो गया। तो ए बी सी इनकरेक्ट है, ओनली करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो ये आप ऑप्शन के आधार पे इलिमिनेट जो करने का तरीका है इसके आधार पे आप बहुत अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, जिसमें पूछा गया एरेनोटोकी इज रिलेटेड टू, ये अभी हमने सॉल्व किया जिसमें हमने देखा कि ये टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, इसके साथ हमने और भी सारे टाइप्स देखे, एरेनोटोकी देखा, ड्यूटेरोटोकी देखा, एम्फीटोकी देखा और एक और टाइप था जो कि हमने देखा। तो ये चार टाइप हमने देखे जिसमें थेलीटोकी भी था। तो ये चार टाइप हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टाइप है किसके, पार्थेनोजेनेसिस के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, डेट इज पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, ऑप्शन गिवन है टोड्स, फ्रॉग, डॉग फिश, कैट फिश। और यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे इंटरनल होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा जो टाइप है वो होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली जो वाटर हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए, तो इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं उनमें मैक्सिमम में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स हो गए, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो ऑप्शन सी है डॉग फिश, इसमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ऑकर्स इन, ऑप्शन गिवन है फ्रॉग टू फॉर्म फीमेल, हनी बी टू प्रोड्यूस ड्रोन, कॉकरोच, वेजिटेरियन एग्स। तो अभी भी हमने देखा कि कैसे पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू डिफरेंट ड्रोन फैमिलीज हनी बी में बन रही हैं। तो ये होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, तो इसके थ्रू हनी बी बनाता है ड्रोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन हाइड्रा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन गिवन है पॉली एम्ब्रियोनी, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, पार्थेनोजेनेसिस, इंसिस्टमेंट। तो जो हाइड्रा है इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल तो होता ही है, ये बिल्कुल कंफर्म है, एनसीईआरटी में भी मेंशनड है। बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी होता है, ये कब होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट, ऑप्शन गिवन है फ्रॉम रूट कटिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, फ्रॉम कटिंग ऑफ स्टेम। तो ये कटिंग ऑफ स्टेम्स, रूट कटिंग, ये सब ग्राफ्टिंग, ये सब में आ जाते हैं।
बाकी जो एपोमिक्सिस है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये टाइप है सेक्सुअल, मतलब मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यानी कि नकल करता है, एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल करता है, यानी कि वैसा ही होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि यहाँ पे विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, यानी कि फ्यूजन ऑफ गेमिट्स यहाँ पे होता ही नहीं है। तो ये है एपोमिक्सिस इम्प्लांट्स, और यहाँ से जो फ्रूट्स बनते हैं उनको कहा जाता है एपोमिक्टिक मिक्टिक फ्रूट्स। तो ये एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से मेंशनड है, एकदम डार्क एंड करके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमिट्स। बाकी फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गेमिट्स का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इसमें गेमिट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ये एक ऐसा मेथड है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, और यहाँ पे बिना फ्यूजन के ही गेमिट्स बनते हैं, और ये जो बनते हैं फ्रूट्स उनको एपोमिक्टिक फ्रूट्स कहा जाता है। तो ये इतने सारे कंसेप्ट हमको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन गिवन है, पहला जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ प्लांट इज अनअफेक्टेड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकेंड है, राइजोम इन जिंजर सर्व्स एज ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड थर्ड गिवन है, टोटिपोटेंसी ऑफ सेल्स इनेबल्स अस टू माइक्रो माइक्रो प्रोपगेट प्लांट्स। स्टेटमेंट वन एंड टू एलोन आर ट्रू, सेकेंड एंड थर्ड एलोन आर ट्रू, सेकेंड एलोन इज ट्रू, थर्ड एलोन इज ट्रू, ऑल थ्री फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स को बारीकी से समझते हैं। तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ए प्लांट इज अनअफेक्टेड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल टाइप का ही मेथड है। तो यहाँ पे जीन कोई भी इफेक्ट नहीं होते हैं, तो अनअफेक्टेड होते हैं प्लांट्स के जीन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, बिल्कुल सही बात है। और राइजोम इन जिंजर जो है ये ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन सर्व करता है, ये आपने एनसीईआरटी में डायग्राम में भी देखा होगा। और जो टोटिपोटेंसी ऑफ सेल है ये प्लांट को माइक्रो प्रोपेगेट करने में भी हेल्प करती है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सारे के सारे सही है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ई, दैट इज ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट ऑकर्स बाय, ऑप्शन गिवन है रनर, ऑफसेट, राइजोम, सकर। तो जो मिंट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और एनसीईआरटी में मिंट का भी दिया हुआ है। इसके होता है सकर के थ्रू, रनर जो होता है ये सेंटेलम ग्रास में होता है, ऑफसेट आइकोर्निया पिस्टिया इन सब में होता है, और राइजोम ये अभी आपने देखा जिंजर में होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, और शक्कर ये मिंट जैस्मिन इन सब में होता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पता एग्जाम्स में राइजोम का ही पूछ लिया जाए, जिंजर का पूछ लिया जाए, आइकोर्निया का पूछ लिया जाए, सेंटेलम ग्रासेस का पूछ लिया जाए। तो ये सब हमें सारे के सारे ध्यान रखने होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा शक्कर, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पार्ट विच इज ग्राफ्टिंग ऑन स्टॉक ऑफ Another tree is called, options given है ग्राफ्ट, बुलबिल, बर्ड, सियोन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा होगा सियोन। तो ये जो ग्राफ्टिंग होती है स्टॉक ऑफ अनदर ट्री, इसको ध्यान रखना है, इसके लिए होता है सियोन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया ऑकर्स बाई, और ऑप्शन गिवन है स्टोलन, ऑफसेट, रनर, सकर। तो ये अभी हमने देखा सकर किसमें होता है, रनर किसमें होता है, ठीक है, स्टोलन। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वहीं पे हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में, ये आइकोर्निया और पिस्टिया में, ये वाटर हाइसिंथ जिसको कहा जाता है, इन सब में होता है ऑफसेट के थ्रू। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ऑफसेट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई लीव्स। ऑप्शन गिवन है बेगोनिया, कैलेंसोए, ब्रायोफाइलम, ऑक्सेलिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रायोफाइलम, क्योंकि यहाँ पे लीफ के थ्रू नहीं होता है, जो बर्ड्स होते हैं उनके थ्रू होता है। तो ये है मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ पे प्लांट्स में नहीं हेल्प करता है लीफ, वो होते हैं ब्रायोफाइलम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑप्शंस गिवन है बडिंग, लेयरिंग, सोइंग, टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड नहीं है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अभी हमने बहुत सारे मेथड देखे, स्पेसिफिक
जिसमें हमने देखा कि कौन से मेथड हैं पेरिटेटिव प्रोपगेशन के, जहाँ पे राइजोम, रनर, ये सब हमने देखा, ऑफसेट, ये सब देखा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा होगा शोविंग। शोविंग जो है एक मेथड नहीं है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो 22 का होगा सी, ये करेक्ट आंसर होगा। 23 में, आफ्टर कल्चरिंग द एंथर ऑफ ए प्लांट, ए फ्यू डिप्लॉयड प्लांट सेल्स आर फाउंड अलोंग विथ द हैप्लॉयड प्लांट्स, द डिप्लॉयड प्लांट्स कट हैव अराइजन फ्रॉम। तो इसमें हमें बताना है कि कल्चर करने के बाद एंथर ऑफ प्लांट को, ये कुछ डिप्लॉयड प्लांट सेल फाउंड होते हैं हैप्लॉयड के साथ, ठीक है। जो डिप्लॉयड प्लांट है वो कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से ओरिजिन होते हैं, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो वो आते हैं सेल्स ऑफ एंथर वॉल से। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो इनकरेक्ट है। एक्साइन, इंटाइन, ये सब तो पार्ट्स हैं, पोलन मतलब जो उसका बाउंड्री है, एक्साइन, इंटाइन, ये सब लेयर हो गया, आउटर इनर लेयर, और जनरेटिव सेल, ये सब नहीं होंगे इसके करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा सेल्स ऑफ एंथर वॉल होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय सेल्स इंस्टेड ऑफ सीड इज नोन एज, ऑप्शन गिवन है बायो फर्टिलाइजर, म्यूटेशन, टिश्यू कल्चर, एंटीबायोटिक्स। तो बायो फर्टिलाइजर तो इसका आंसर होगा नहीं। बायो फर्टिलाइजर ये इसके मदद से हम लोग जो न्यूट्रिशनल इन्हेंसमेंट है उसको इंक्रीज करते हैं। म्यूटेशन, ये भी म्यूटेशन के थ्रू जो सडन चेंज होता है उसके लिए म्यूटेशन रेस्पॉन्सिबल होता है। एंटीबायोटिक्स, ये तो एंटीबायोटिक्स का यूज आप समझ समझ ही रहे हैं, ये एक मतलब वीकेंड करके ये दिया जाता है, तो एंटीबायोटिक्स ये सब यूज होते हैं। और जो ऑप्शन गिवन है टिश्यू कल्चर, यहाँ पे न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, न्यू प्लांट्स बाय सेल्स इंस्टेड ऑफ सीड्स, सीड्स के मतलब बिना सीड्स के, सीड्स के बदले बाय सेल्स के थ्रू ये किया जाता है। यहीं पे टोटिपोटेंसी, माइक्रो प्रोपेगेशन, ये सब यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टिश्यू कल्चर। बाकी जो ऑप्शन है ये सब हमने डिस्कस किया क्यों इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, सी होगा, ऑप्शन सी, दैट इज टिश्यू कल्चर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द गेमेटोफाइट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के, और वो भी वेजिटेटिव सेल ऑफ गेमेटोफाइट के थ्रू, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जाइगोस्पोरी गिवन है, तो जाइगोस्पोरी एक डिप्लॉयड स्टेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ ये प्रोटिस्ट, फंजाई, इन सब में ये पाया जाता है जाइगोस्पोरी, जाइगोस्पोर, प्रोटिस्ट हो गए, फंजाई हो गए, इन सब में। एप्लेनोस्पोरी ये जो है नॉन मोटाइल स्पोर, ये जो बनते हैं एल्गी वगैरह में, वो कंडीशन को शो करता है एप्लेनोस्पोरी। और एपोस्पोरी में भी स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये विदाउट फर्टिलाइजेशन जहाँ पे, यहाँ पे विदाउट माइटोसिस। तो ये है टू एम सेल का डेवलपमेंट, ये सब बिना माइटोसिस, माइटोसिस के, दैट इज विदाउट माइटोसिस। और बाकी बच गया ऑप्शन डी, दैट इज एपोगेमी। एपोगेमी ही डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट का बिना फर्टिलाइजेशन के, और वो भी वेजिटेटिव सेल अब तक गेमेटोफाइट के थ्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज एपोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इंडिविजुअल, ऑप्शन गिवन है प्रैक्टिसेस सेल्फ फर्टिलाइजेशन, प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल गेमेट्स, प्रैक्टिसेस रिप्रोडक्शन, प्रैक्टिसेस बाय ब्रीडिंग विदाउट मियोसिस। तो ये जो ऑप्शन गिवन है रिप्रोडक्शन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब रिप्रोडक्शन में तो सवाल ही नहीं उठता है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन सा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी बहुत सारे होते हैं, सेक्सुअल हो गया, एसेक्सुअल होगा, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम कोई फिक्स नहीं है कि सेक्सुअल है, सेक्सुअल किसकी बात हो रही है उसमें देखें तो, अगर सेक्सुअल की बात करें तो वहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन, वेरिएशन, ये सब आते हैं, ये सेक्सुअल में नहीं आता है। तो यही बात है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी बनते हैं किसमें, तब होते हैं जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रेमेट एक टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज आइडेंटिकल क्लोन्स जो बनते हैं, तो वही हो गया क्लोन्स, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल गेमिट्स जो बनते हैं उसी के थ्रू ये होता है आइडेंटिकल प्रोजेनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल गेमिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और नेचर मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑप्शन गिवन है रनर, फोलियरर, बर्ड्स, स्टेम ट्यूबर, ग्राफ्टिंग। तो ये जो ऑप्शन गिवन है रनर, फोलियर, बर्ड्स,
स्टेम ट्यूबर ग्राफ्टिंग, तो इसमें कौन नेचुरल मेथड नहीं है, नेचर मेथड नहीं है, तो इसका आंसर जो है ग्राफ्टिंग होगा। ग्राफ्टिंग एक आर्टिफिशियल मेथड है वेटेड प्रोपेगेशन का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसमें पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गेमेटोफाइट एंड वाइस वर्सा इज टर्म्ड एज। ऑप्शन गिवन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में ही दिया है, गिवन है, 11th में ही आपने पढ़ लिया होगा ये, तो 12th में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो इसमें ये है कि उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसी को कहा जाता है। इसमें हमने पढ़े होंगे आपने हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बहुत सारे लाइफ साइकिल हमने पढ़े थे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। तो ये सब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का डिफिनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गेमेटोफाइट एंड वाइस वर्सा, यानी कि फिर गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, तो ये सब बनना, तो ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट मटेरियल व्हिच इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम इज। ऑप्शन की मैंने साइकस रेवोल्यूटा, कोकस न्यूसिफेरा, पाइनस लॉन्जिफोलिया, बोरेसस फ्लेविलेफर। तो ये सारे साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान होगा कि जो कोकोनट है जिसको कि कोकस न्यूसिफेरा के नाम से जाना जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है, तो ये कोकस न्यूसिफेरा जो है यही वाइडली यूज्ड होता है कल्चर मीडियम के प्रिपरेशन मैंने किए करने में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी, दैट इज कोकस न्यूसिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ये ऑप्शंस गिवन है पार्थेनोकार्पी, एपोकार्पी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी। तो ये पार्थेनोकार्पी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के। एपोकार्पी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, एपोकार्पी क्या होता है, दैट इज एपोकार्पी हमने देखा कि बिना माइटोसिस के जो फॉर्म होता है, एपोस्पोरी भी हमने देखा, तो ये सारे क्वेश्चन में हमने कर लिया है। तो यहाँ पे जो बचा है एडवेंटेटिव इम्ब्रियोनी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहीं पे इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इम्ब्रियो सैक, ये सारे इसी में इंक्लूडेड होते हैं, इसके अंदर होते हैं, तो ये होता है न्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बाकी पार्थेनोकार्पी, एपोकार्पी, एस्पोस्पोरी, ये सब हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एडवेंटेटिव इम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट ए इंटरवेंशन और स्पोर्स इज कॉल्ड, एंड द फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। ये क्वेश्चन अभी तक तीसरी बार चौथी बार आ चुका है, और ये मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जहाँ पे पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोगेमी, एपोस्पोरी, बहुत बार एग्जाम में सिंपल पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस का ही पूछ लिया जाता है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। एपोगेमी हमने अभी डिस्कस किया, वहां पे क्या था, फर्टिलाइजेशन था, बिना फर्टिलाइजेशन का जो फॉर्मेशन था होता है एपोगेमी, ठीक है, गेमिट फ्रॉम द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव गेमिट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो होता है एपोगेमी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एपोस्पोरी होगा, जहाँ पे कि गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट से बिना मियोसिस के, तो ये हमें ध्यान रखना है एपोस्पोरी में होता है, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट हैप्लॉइड कैलस वन कैन कल्चर इम्ब्रियो, लीफ टिश्यू, स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन। इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलन ग्रेन, दैट इज ऑप्शन डी। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अप्लाइड कैलस के लिए हमें किसका कल्चर करना चाहिए, तो पॉलन ग्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोइड फ्रॉम पॉलन ग्रेन इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज। ऑप्शन गिवन है ऑर्गेनोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब कल्चर, सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ऑर्गन का फॉर्मेशन, डबल फर्टिलाइजेशन ये एक यूनिक इवेंट है, ये भी हमने आपको डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से, तो डबल फर्टिलाइजेशन भी आप समझ ही रहे होंगे, और टेस्ट ट्यूब कल्चर भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। टेस्ट ट्यूब कल्चर में वो इनविट्रो ये सारे फर्टिलाइज किए जाते हैं, वैसा मतलब जो इन्वायरमेंट है क्रिएट किया जाता है टेस्ट ट्यूब कल्चर में, और बाकी जो सेलुलर टोटेंसी है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही रीजन है
इम्ब्रियॉइड के फॉर्मेशन फ्रॉम पॉलन ग्रेन इन टिश्यू कल्चर मीडियम। तो ये होगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज सेलुलर टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपगेट्स थ्रू लीफ टिप। ऑप्शन गिवन है मार्केशिया, मॉस, वॉकिंग फर्न, स्प्रॉट, लीफ प्लांट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान होने चाहिए कि इसमें लीफ टिप के थ्रू प्रोपगेशन होता है। इसका आंसर है वॉकिंग फर्न, दैट इज ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, जहाँ पे पूछा जा रहा है ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू और ऑर्गन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, इंटरग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट के बहुत सारे ये टाइप्स हैं, ग्राफ्टिंग कैसे होती है इससे रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट हैं। तो ऑटोग्राफ्ट है, इसमें सेम इंडिविजुअल में होता है, मतलब सेम इंडिविजुअल में इसमें ग्राफ्टिंग होती है। आइसोग्राफ्ट में मतलब टू इंडिविजुअल ऑफ आइडेंटिकल जीन्स, और जो जीनोग्राफ्ट है इसमें दो अलग अलग स्पीसीज होते हैं, ये इनमें होता है ग्राफ्टिंग। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्राफ्टिंग और ऑर्गन मतलब बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जीनोग्राफ्ट। तो डिफरेंट स्पीसीज के लिए हमें याद रखना है जीनोग्राफ्ट, और सेम स्पीसीज में ही अलग अलग इंडिविजुअल के लिए हमें याद रखना है एलोग्राफ्ट। बाकी आइसोग्राफ्ट हमने डिस्कस किया, ऑटोग्राफ्ट किया, और इंटरग्राफ्ट भी मतलब टू इंडिविजुअल। ये मतलब बेसिकली हमें चार तरह के ग्राफ्ट याद रखने होंगे, ऑटो, आइसो, जीनो, एलोग्राफ्ट। और इंटरग्राफ्ट से रिलेटेड उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, इंटरग्राफ्ट का भी कंसेप्ट उतना नहीं फिट बैठता है ग्राफ्टिंग में। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज जीनोग्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया वन ऑफ द प्लांट्स यूजिंग फोलियलर इन एडवेंटिशियस बर्ड्स एज मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज। ऑप्शन गिवन बनाना, जिंजर, ब्रायोफाइलम, कोलोकेशिया। तो ये हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, ब्रायोफाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी सेशन में हमने डिस्कस कर लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रायोफाइलम, एडवेंट्रिशियस बर्ड्स। जहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे लीफ से नहीं होता है, तो वहीं पे हमने बताया था कि बर्ड के थ्रू होता है, तो यही है फोलियर एडवेंट्रिशियस बर्ड्स ब्रायोफाइलम में। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड बाई लीफ पीसेज। ऑप्शन गिवन है ब्रायोफाइलम एंड कैलेंसोई, कैलेंसोई, क्राइजेंथेमम एंड अगेव, अगेव एंड कैलेंसोई, अगेव एंड एस्पर एस्परेगस एंड ब्रायोफाइलम। तो ये सारे ऑप्शंस गिवन है, और ऑप्शंस हैं ब्रायोफाइलम, ये सारे ऑप्शन। तो पूछा जा रहा है कि लीफ पीसेस, यानी कि वही लीफ से नहीं, लीफ के पीसेस के थ्रू, तो वही बर्ड्स हो गए एडवेंटेशियस बर्ड्स जो अभी हमने देखा। तो ब्रायोफाइलम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, तो ब्रायोफाइलम वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी जो एस्पेरेगस इसके साथ दे दिया गया है, ये इनकरेक्ट है, और ये अगेव कैलेंकोई, ये भी इनकरेक्ट है, यहाँ भी अगेव है, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रायोफाइलम एंड कैलेंचोई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इसमें पूछा गया है इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी इम्यून डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द। और ये भी क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले ही देखा था, जहाँ पे पूछा गया था कि कैसे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, तो इम्ब्रियो डायरेक्टली कहाँ से डेवलप होता है। तो ये इम्ब्रियो उस केस में डेवलप होता है न्यूसिलस और इंटेगमेंट्स के थ्रू। बाकी सिनर्जी, डेंडीपोडल, एसेसरी, एम्ब्रियोसैक, इंडोव्यूल, जाइगोट। ये जाइगोट तो फॉर्म प्रोडक्ट है, जबकि फ्यूजन होता है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो ये बाद वाली बात हो गई। और ये एपोमिक्सिस की बात की जा रही है, तो एपोमिक्सिस में न्यूसिलस और इंटेगमेंट्स के थ्रू होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 39 क्वेश्चन पूछा गया, स्टेम कटिंग्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ बनाना, रोज, मैंगो, कटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज इसका एग्जाम्पल गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोज। इसी में ये स्टेम कटिंग्स कॉमनली यूज किया जाता है रोज के प्रोपगेशन के लिए। और आज के सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कैरेट इज माइक्रो प्रोपेगेटेड थ्रू इम्ब्रियो इम्ब्रियॉइड शूट कल्चर। तो ये इम्ब्रियो इम्ब्रियॉइड्स ये सारे जो दिए हुए हैं, ये सब तो एंड प्रोडक्ट है इम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये सब लास्ट में होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ये सब में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कैलस। तो ये होता है माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर में, जो कि हमें ध्यान रखना है। तो कैरेट जो है ये माइक्रो माइक्रो प्रोपगेटेड होता है थ्रू कैलस। तो ये थे आज के सेशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से, क्लास 12 चैप्टर 1 से।
ये सब हमने डिस्कस किया। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहें चैनल से, और जो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है उसको करते रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।